सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया है कि हम किस तरीके से लोगों को एनालाइज़ करें, किस तरीके से प्लेयर्स को एनालाइज़ करें, किस तरीके से टीम्स को एनालाइज़ करें। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से किसी भी प्लेयर को किस किस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हो। आपको मैं मेजरली दो चीज़ें बताऊँगा जिसको अगर आप करोगे और उसको आप अच्छी तरीके से अगर वर्क करते हो तो आप अच्छी तरीके से किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को अच्छी तरीके से आप एनालाइज़ कर सकते हो। पहली बात तो किसी भी प्लेयर को एनालाइज़ करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो आपका होता है पर्सपेक्टिव, कि आप किस पर्सपेक्टिव से किसी भी प्लेयर को देखते हो। एक नॉर्मल बंदा अपने आइडियल को देखता है, जिसको वो सबसे ज़्यादा मानता है, जिसकी गेम प्ले वो पसंद करता है, अगर वो उसको देखता है तो वो उसको मज़ा आता है, वो एक कॉमेडी के लिए या तो हो सकता है अपने हैप्पीनेस के लिए उस प्लेयर को देखता है और सोचता है यार क्या बंदा क्या ही खेलता है, इस बंदे को देखता हूँ मज़ा आ जाता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर ये सोचता है यार इसकी तरह खेलना थोड़ा सा टफ है यार, मैं नहीं खेल पाऊँगा। और उसी जगह एक स्मार्ट बंदा होता है, वो इस प्लेयर को इसीलिए सब्सक्राइब किया है ताकि मैं उस प्लेयर से कुछ सीख सकूं, उस प्लेयर को कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखूं और उससे कुछ अच्छा चीज़ सीखूं। एक स्मार्ट बंदा वो होता है। तो एक स्मार्ट बंदा किस तरीके से एनालाइज़ करेगा किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को? एक स्मार्ट प्लेयर किसी भी प्लेयर को देखता है तो हमेशा वाई में क्वेश्चन करता है। वाई में, वाई मीन्स क्यों, क्यों में क्वेश्चन करता है। अगर वो देखता है कि स्मार्ट बंदा किसी भी प्लेयर को देखेगा, किसी भी टीम को देखेगा कि वो खेल किस तरीके से रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ पर वो स्मोक कर रहे हैं, कहाँ पर वो अपना किस तरीके से, मतलब वो जो भी अपना स्टेप लेते हैं, कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर जो भी स्टेप लेता है, तो एक स्मार्ट बंदा हमेशा अपने आप से सवाल करेगा क्यों। अगर इस बंदे ने यहाँ पर ये चीज़ें किया तो यहाँ पर क्यों किया, अगर इस टीम ने यहाँ पर ये अपना स्टेप उठाया तो ये क्यों किया। वो चाहता, वो टीम चाहता तो पहले ये भी कर सकता था। जैसे अगर किसी भी टीम को आप देखते हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से ये टीम कुछ और भी कर सकती थी। जैसे कि आपके हिसाब से टीम जोन शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन वही टीम फाइट ले रही है। तो आपको यहाँ पर सवाल करना है क्यों कर रहे हैं वो लोग, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। अब उनको एनालाइज करो, उन पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाओ। इससे फ़ायदा होता है कि आप हर प्लेयर को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। आपको यही करना ही है, किसी भी प्लेयर को अगर आपको एनालाइज करना होगा तो उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा ना, ना कि आप उसकी आप ताल में लगा चलोगे। जैसे आप किसी भी टीम को देख रहे हो और सिर्फ उसकी आप जो भी चीज़ें वो कर रहा है बार बार कॉपी करते चले जाओ, उससे आप सीखते नहीं हो। जब तक आप खुद से नहीं सवाल करोगे कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं करनी, अगर वो टीम ये कर रही है क्या ये करना ज़रूरी है, क्या ये करना एकदम सही है, और जो टीम या जो प्लेयर वो चीज़ करता है क्या मैं उसको हमेशा अपने गेम में इसको अप्लाई करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपका अप्रोच रहेगा अपने ऊपर तो आप डेफिनेटली किसी भी प्लेयर से, किसी भी टीम से कुछ नया लर्न करते हो। इसी तरीके से होता है आपका एनालाइज करना, ही एनालाइज और कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी प्लेयर को उसको इस तरीके से नहीं देखना कि यार वो प्लेयर गॉड लेवल का खेलता है या वो टीम गॉड लेवल की है, हम उसकी तरह नहीं खेल पाएंगे, हम उसकी तरह नई स्ट्रेटजी बना पाएंगे, उसकी तरह नई प्लानिंग कर पाएंगे। उससे बेटर है कि आप हमेशा किसी भी टीम को देखकर क्यों पे सवाल करो, वाई पर सवाल करो कि ये अगर बंदा ये मूव ले रहा है तो ये क्यों ले रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। आपको इस तरीके से सवाल करना है, दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा इसका कोई डिफिनेशन नहीं है कि हाउ टू एनालाइज प्लेयर्स। हमेशा पहले अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो किसी भी प्लेयर को देखने से पहले। पहले तो अपने माइंड से कचरा निकालो, यार उस प्लेयर की तरह आप नहीं खेल सकते, सबसे पहला चीज़ अपने माइंड से निकालो। फिर उसके बाद ही आप लर्न करने की स्टेज पर आते हो, जब अपने माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल लेते हो। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मैं जो जॉनाथन है वो बहुत बेस्ट प्लेयर है, मैं उसकी तरह नहीं खेल पाऊंगा, तो आप उसे कुछ सीख ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा ये सब आउट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे खेल लेता है, वो कैसे क्लच कर लेता है हर टाइम। उसी जगह जो एक स्मार्ट बंदा होता है वो देखेगा कि वो मिस्टेक्स मैं क्या करता हूँ जो जॉनाथन नहीं करता, वो क्या क्या मूव बार बार जॉनाथन क्यों करता है कि वो हमेशा अच्छा खेल पाता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होंगी। आपको हमेशा गधों की रेस में नहीं दौड़ना, आपको हमेशा स्मार्ट मूव करना है कि मैं किस तरीके से अपने आप को एक कुछ अच्छा पर्सपेक्टिव दूं किसी भी एनिमी को देखने से, किसी भी प्लेयर को जज करने से, जिससे कि आप उससे कुछ लर्न कर पाते हो। होप करता हूँ कि आपको मेरे समझाने का आपको इंटेंशन समझ में आया होगा कि मैं आपको एग्जैक्टली समझाने क्या चाहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैं हमेशा इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ।